अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले के सबक में दो पेश वाले हर्फ को पढ़ा और लिखा। आज हमें सबक नंबर 9 दो पेश वाले हर्फ की मश्क को आज हमें पढ़ना है, लिखना है और समझना है। तो इंशाल्लाह आज हम क्या पढ़ेंगे, दो पेश वाले हर्फ की मश्क को पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें सबसे पहला हर्फ है अलिफ। अलिफ के ऊपर क्या है, जबर है। तो हम कैसे पढ़ेंगे, अलिफ जबर अ। हा और हा के ऊपर भी जबर है, तो हा जबर ह। दाल, दाल के ऊपर दो पेश है, तो हमें पढ़ना है दाल दो पेश दुन। हमें कैसे पढ़ना होगा, अलिफ जबर अ, हा जबर ह, दाल दो पेश दुन, अहदुन। इसी तरह हमें हर्फ को लिखना भी है। हमें हमारे अहदुन लफ्ज के सामने वाले बॉक्स में बॉक्स दिया हुआ है, वही उसी बॉक्स में जो बॉक्स दिखाया है उसी बॉक्स में हमें अहदुन शब्द, अहदुन लफ्ज को लिखना है, हर्फ को लिखना है। हमें यहाँ पर अलीब जबर अ, इसी तरह हा जबर ह, दाल दो पेश दुन, अहदुन। इसी तरह हमें हर्फ को लिखना है। तो प्यारे बच्चों, हम इसी तरह हर्फ को लिखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। आगे का हर्फ क्या है, तो आगे का हर्फ है नून। नून के साथ अलीफ और जबर है, तो हमें पढ़ना है नून अलीफ जबर ना। रा के ऊपर दो पेश है, रा दो पेश रुन। नून अलीफ जबर ना, रा दो पेश रुन, ना रुन। इसी तरह हमें हर्फ को लिखना भी होगा। तो हम इसी तरह नून अलिफ जबर ना, हमें यहाँ पर क्या लिखना है, नून अलिफ जबर ना, रा दो पेश रुन। तो हम इसी तरह रा और इसी के ऊपर दो पेश लगाएंगे, नून अलिफ जबर ना, रा दो पेश रुन, ना रुन। इसी तरह हमें हर्फ को लिखना है और समझना है। इसी तरह आगे का हर्फ है काफ। काफ के ऊपर पेश है काफ पेश कु। ता के ऊपर भी पेश है ता पेश तू। बा, बा के ऊपर दो पेश है, बा दो पेश बुन। तापेश कु, तापेश तू, बा दो पेश बुन, कुतुबुन। इसी तरह हमें हर्फ को लिखना भी है। तो हमें यहाँ पर कापेश कु, इसी तरह हमें तापेश तू, इसी तरह हम तापेश लिखेंगे, कापेश कु लिखा और हमें लिखना है बा दो पेश बुन। तो हमें कैसे लिखना है, बा दो पेश बुन, कापेश कु, तापेश तू, बा दो पेश बुन, कुतुबुन। क्या बच्चों, हम इसी तरह लिखेंगे और पढ़ेंगे। इसी तरह ये कौन सा हर्फ है, लाम जबर ल, ऐन जेर ई, बा दो पेश बुन। लाम जबर ल, ऐन जेर ई, बा दो पेश बुन, लाई बुन। इसी तरह हमें हर्फ को लिखना भी है। हम यहाँ पर लिखेंगे लाम जबर ल, ऐन जेर ई, बा दो पेश बुन। हमें क्या लिखना है, लाम जबर ल, ऐन जेर ई, बा दो पेश बुन। इसी तरह हमें हर्फ को लिखना है। तो प्यारे बच्चों, हम इसी तरह हर्फ को समझेंगे और लिखेंगे और पढ़ेंगे। इसी तरह आगे का हर्फ है तो। तो जबर त, ऐन अलिफ जबर आ, मीम दो पेश मुन। तो जबर त, ऐन अलिफ जबर आ, मीम दो पेश मुन, ता मुन। इसी तरह हमें हर्फ को लिखना भी है। तो हमें यहाँ पर हर्फ को इसी तरह हम लिखेंगे, तो जबर त, ऐन अलिफ जबर आ, तो के ऊपर भी जबर है, एन अलिफ जबर आ, मीम दो पेश मुन, आ मुन। तो प्यारे बच्चों, हम इसी तरह हर्फ को लिखेंगे। इसी तरह आगे का हर्फ है हा जबर हा, फाजे फी, जो दो पेश जुन। हा अलिफ जबर हा, फाजे फी, जो दो पेश जुन, हा फी जुन। इसी तरह हमें हर्फ को लिखना है, हालिफ जबर हा, फाजेर फी, जो दो पेश चुन, हा फी चुन। इसी तरह हमें हर्फ को लिखना है, पढ़ना है और समझना है। इसी तरह आगे का हर्फ है
रापेश रू, सिंपेश सू, लाम के ऊपर दो पेश है लाम दो पेश लून, रापेश रू, सिंपेश सू, लाम दो पेश लून, रुसुलून। इसी तरह हमें हर्फ को लिखना है, तो हमें यहाँ पर लिखना है रापेश रू, सीन पेश सू, लाम दो पेश लून, सीन के ऊपर एक पेश है लाम के ऊपर दो पेश है, रापेश रू, सीन पेश सू, लाम दो पेश लून, रुसुलून। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर अहदुन से लेकर रुसुल तक को लिखा, पढ़ा और समझा। हमारी अरबी की नोटबुक में ये सात हर्फ को एक मरतबा लिखना है, और हमें हमारी अरबी की बुक में इसी तरह जो बॉक्स दिए हुए हैं इसी तरह बॉक्स भरकर हमें हर्फ को लिखना है। तो प्यारे बच्चों, अरबी की बुक में हमें इसी तरह लिखना है और अरबी की नोटबुक में हमें ये सात हर्फ को एक मरतबा लिखना है। प्यारे बच्चों, ये है हमारा आज का सबक और आज का होमवर्क। आगे सबक में इंशाल्लाह सात हर्फ को, आगे के सात हर्फ को पढ़ेंगे, समझेंगे और लिखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।